पिछले कुछ महीनों से सबसे ज़्यादा अगर मेरे पास कुछ सवाल पूछा गया है तो वो फ्रेशर के जॉब्स के सैलरी के बारे में। कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आता है मेरे इंस्टाग्राम पर कि सहजाद भाई मैं ये जॉब करता हूँ, अगर मैं सऊदी दुबई ओमान बहरीन कतर जाना चाहता हूँ तो मेरा सैलरी कितना रहेगा। मैं कंटिन्यू जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार है मैं बताता हूँ और जो आजकल रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके अनुसार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कितने आदमी को मैं जॉब दूंगा, वैसे ही कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सहजाद भाई मेरे भी जॉब्स के अनुसार बता दीजिए कि मुझे अगर दुबई जाता हूं तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा फर्स्ट टाइम अगर विजिट करता हूं दुबई। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसे जॉब सेलेक्ट किया हूं जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका जो बेसिक 8 घंटे का सैलरी है वो कितना मिलेगा और आपका ओवर टाइम लेकर के कितना आएगा और कितना पैसा आप सेविंग करके इंडिया भेज सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें सहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सहजाद और आप देख रहे हो सहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो आज बात करेंगे 10 ऐसे जॉब्स के सैलरी के बारे में जिसका सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, यानी समझ लीजिए सिमिलर है, थोड़ा सा 19-20 है, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, और जो नए व्यूअर है अगर इस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हो जैसे वीजा कैसे मिलता है, रिक्वायरमेंट कहां आ रहा है, कौन सा ट्रेवल एजेंसी अच्छा है और कहां का सैलरी कितना मिल रहा है, तो इस टाइप का मैं बहुत वीडियो बना दिया हूं, ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा मैं वीडियो बना दिया हूं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और हमारे नए वीडियो के लिए जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तो चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। सबसे कुछ दिक्कत वाली काम है फ्रेशर कैंडिडेट को समझना तो उनके जॉब्स के सैलरी के बारे में कि भाई उनको सऊदी दुबई में कितना मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मैं 10 जो जॉब से सिलेक्ट किया हूँ उसमें एजुकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, एक टेक्निकल काम है इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपको सैलरी मिलेगा कितना, 1200 रियाल से लेकर के 1500 रियाल के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। यानी 8 घंटे का जो आपका सैलरी होगा वो 1200 से 1500 के आसपास अभी मिल रहा है, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ जैसे सऊदी दुबई ओमान बहरीन जाओ, ठीक है। बहरीन में भी BD चलता है, ओमान में भी ओमानी दिरान चलता है और कुवैत में KD चलता है, लेकिन इंडियन रुपीज़ का बात करूँ ना तो मैं जैसे 1 रियाल का अभी पता नहीं 19 रुपये समथिंग बन रहा है, लेकिन मैं 20 रुपये पकड़ूँगा, ठीक है। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो मान के चलिए अगर प्लम्बर का सैलरी जो है वो 1200 रियाल लग रहा है तो उनका बेसिक सैलरी कितना हुआ, 24,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रीसियन है तो इलेक्ट्रीसियन का भी सैलरी 1200 से लेकर के 1500 के आसपास लगेगा, तो उनका भी ऐसे हो गया। मैं टोटल जॉब्स का अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि भाई आपके पास अगर थोड़ा सा एजुकेशन है तब आपको कितना मिल जाएगा और आपका ओवर टाइम कितना आएगा, यानी टोटल मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि आपका सेविंग बचेगा कितना। तो पहले मैं जॉब्स के बारे में बता देता हूँ आपको, तो जितना भी मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा वो 1200 रियाल से लेकर 1500 रियाल के आसपास मिलेगा, यानी इंडिया का समझ लीजिए 24,000 से लेकर के 30,000 के आसपास मिलेगा। तो नंबर 1 पर है प्लम्बर, दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रीसियन, तीसरे नंबर पर है ड्राइवर, चौथे नंबर पर है ऑपरेटर और पाँचवें नंबर पर हैं वेटर्स और छठे नंबर पे हैं टी बॉय और सातवें नंबर पे हैं पाइप फिटर और आठवें नंबर पे हैं फायर फाइटर और नौवें नंबर पे हैं कुक और दसवें नंबर पे हैं मेसन। यानी कि ये 10 ऐसे जॉब्स हैं जिनका बेसिक सैलरी जो रहेगा वो आपको मिलेगा 24,000 से लेकर के 30,000 तक। यानी अगर आपके पास इंडिया का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 24,000 से लेकर के 26,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन अगर आपका इंडिया का 5 साल 7 साल का है तो आपको 30,000 आसानी से बेसिक सैलरी मिल जाएगा, यानी कि 1500 रियाल मिल जाएगा आसानी से। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 8 घंटे का आपका बेसिक
सैलरी 1400 रियाल अगर लग जाता है तो मिनिमम अगर 2 घंटे भी ओवर टाइम चलेंगे ना तो फिर भी आपका 500 से 600 रियाल ओवर टाइम आ जाएगा। तो मान के चलिए 600 रियाल अगर ओवर टाइम अगर आ जाता है तो आपका 1400 बेसिक हो गया और 600 रियाल ओवर टाइम हो गया तो ये हो गया आपका 2000 रियाल। अगर इसको हम इंटू करते हैं 2000 रियाल को 20 से तो आपका 40000 रुपये हो गया, यानी ओवर टाइम लेकर के आपका 40000 रुपये हो गया। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है कि अगर आपका 1400 बेसिक सैलरी लगा हुआ है तो 1400 प्लस 200 रियाल आपको आपका खाने का देगी या आपका फ्री खाना होगा, ठीक है। यानी आप मान के चलिए कि आपका जो इंडिया का 40000 है ना ओवर टाइम लेकर के फिक्स हो गया। ये तो हो गया आपके ओवर टाइम के साथ कि आपका जो सैलरी है पर मंथ अगर 2 घंटा ओवर टाइम चलता है तो 40000 रुपये आएगा, जिसमें अगर आपके पास कोई बुरा आदत ना हो कोई नशा वशा का तो उम्मीद करता हूँ कि 5 से 7 हज़ार रुपये आपका पॉकेट खर्च पड़ेगा, ठीक है, बाकी का टोटल घर भेज सकते हो। लेकिन मान के चलो आप इंडिया का 30000 रुपये ईजिली बचा सकते हो, ठीक है, 30000 रुपये ईजिली बचा सकते हो और वहाँ जाने के बाद अगर बढ़िया कंपनी में गए तो आपका 3 महीना या 6 महीना बाद थोड़ा सैलरी इंप्रूव होता रहता है, यानी आपके काम के अनुसार। तो आपका जो बेसिक स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा ना वो 30000 रुपए इजीली आप घर भेज सकते हो, ठीक है। इसलिए कि मैं जितना भी आपको जॉब्स बताया हूं उन सब में ओवर टाइम चलता है और मैं कंटिन्यू देखा हूं, ठीक है। जितने भी जॉब्स बताया हूं मिनिमम 2 घंटा तो मिलेगा ही, अगर 4 घंटा चल गया तो और आपका गुड लक है। तो भाई आप मिनिमम 30000 रुपए इजीली बचा सकते हो। इसमें एक और सवाल था कि कमेंट सेक्शन में पूछे थे कि सहजाद भाई जरा ये बता दीजिए कि मैं इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया हूँ, और कितने लोग पूछते थे कि भाई मैं डिप्लोमा किया हूँ तो हम लोगों का क्या सैलरी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्त बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हो ना तो ये जितने भी लोग हैं जो आईटीआई नहीं किए हैं इन लोगों से कंपेयर आपको किया जाए तो आपका सिलेक्शन पहले होगा और इनका जो सैलरी 1200 से 1500 है उसमें 200 रियाल आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी आपको 1700 रियाल मिल सकता है, 1800 रियाल तक भी मिल सकता है। तो आईटीआई जो किए हैं और डिप्लोमा जो किए हैं उनका ये बोनस पॉइंट रहता है, ठीक है। मैं क्लियर नहीं समझा रहा, एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आईटीआई किया है तो आपका क्या वैल्यू है, ठीक है, या डिप्लोमा किए हो तो आपका क्या वैल्यू है। यानी जितने भी ये लोग हैं इनसे कंपेयर किया जाए तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, उसके बाद इन लोगों का नंबर आएगा, तो आप लोग परफेक्ट हो। बाकी विस्तार से मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना कर दे दूंगा कि भाई आप लोगों ने जो डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है या इंजीनियरिंग किया है उनका सैलरी फ्रेशर का कितना मिलता है, ठीक है। लेकिन वो वीडियो ऐसा होगा कि एक जॉब के लिए एक ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए कि विस्तार से समझाना पड़ेगा उसमें। ये जॉब इसलिए मैं सिलेक्ट किया ना कि जहां भी आप देखिएगा ऑलमोस्ट सेम सैलरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए कि सऊदी, दुबई, ओमान, बहरन, कतर किसी भी कंट्री में, ये जो गल्फ कंट्री है इस कंट्री में आप जाओगे तो इजीली आप 30000 रुपए बचा सकते हो। मैंने कितना कहा है, सिर्फ 2 घंटे ओवर टाइम का कहा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 4 घंटे मिलते हैं तो वहां थोड़ा ज्यादा होगा, अगर कहीं 1 घंटा भी मिलता है वहां थोड़ा कम होगा, और 8 घंटे का चांस बहुत कम रहता है। यानी मैंने जहां भी देखा है जितने भी ट्रेड बता रहा हूं इसमें आपको कंपलसरी 2 घंटा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को कम मिलता है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हमें ओवर टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा मैं भी तो देखूं कि भाई कहां ओवर टाइम इस ट्रेड का नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूंगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।